अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़हीब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआगो हूं कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हेडेक, माइग्रेन, सर का दर्द। दोस्तों, ये सर का दर्द या तो हाफ लेफ्ट साइडेड हो सकता है या तो हाफ राइट साइडेड हो सकता है। दोस्तों, ये सर का दर्द सर की पिछली जाने भी हो सकता है और सर के ना अगली जाने भी हो सकता है। ज़्यादातर देखने में आया है कि जिस मरीज़ के साथ सर दर्द का इशू रहता है उसको कह और मतली का एहसास होता है। कह मतली करने के बाद वो मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ से काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। चंद एक ट्रिगर्स हैं जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुबतला करते हैं। पेशेंट इनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मिसाल के तौर पर नींद का पूरा ना होना। अगर नींद पूरी नहीं होती तो इस मरीज़ का हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत देर तक भूखा रहना। जब एक मरीज़ बहुत देर तक भूखा रहता है तो उसका ये सर दर्द बढ़ जाता है। ज़्यादा देर तक धूप पे रहने में भी इनका सर दर्द बढ़ सकता है। सिट्रस फ्रूट के इस्तेमाल से, मिसाल के तौर पर माल्टा हो गया और नींबू वगैरह हो गया, इनके इस्तेमाल से भी इनके सर दर्द बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ शोरगुल से इस मरीज़ का सर दर्द बढ़ सकता है और तेज़ लाइटों से भी इस मरीज़ का सर दर्द बढ़ सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया हेडेक, माइग्रेन और सर का दर्द। अब हम बात करने वाले हैं इसके तरीका इलाज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक तरीका इलाज। होम्योपैथिक तरीका इलाज में हेडेक, माइग्रेन का बहुत ही अच्छा तरीका इलाज मौजूद है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। वैसे तो हम वक्ती टाइम के लिए टैबलेट्स वगैरह हेडेक के लिए सकते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इस मर्ज़ का प्रॉपर इलाज ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी टैबलेट्स इस्तेमाल करने का। तो होम्योपैथिक में इसका प्रॉपर तरीका इलाज है और उसके बाद जो मेडिसिन होती है वो सिलेक्ट की जाती है और टाइम ड्यूरेशन उस टाइम डिसाइड होता है जब केस हिस्ट्री निकलती है। और दूसरे हम तरीके इलाज पर बात करने वाले हैं, हिजामा। दोस्तों, हिजामा हेडेक और माइग्रेन के हवाले से बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है। इसमें भी पेशेंट की केस टेकिंग की जाती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है क्या इस पेशेंट को हिजामा अभी लगाना है या कुछ अरसे बाद लगाना है, जिसमें एचबी लेवल हो गया, बीपी हो गया, क्या पेशेंट ने ब्लड तो डोनेट नहीं किया हुआ, क्या पेशेंट ब्लड थिनर टैबलेट्स तो नहीं यूज़ कर रहा। ये सब देखने के बाद पेशेंट को हेड पर पॉइंट्स लगाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपने दोस्त मोहम्मद ज़हीब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।